मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। पनीर बनाने के लिए मैंने लिया 1.5 लीटर दूध और गेहूँ। दूध को हम एक उबाल आने तक चढ़ा देते हैं, इसमें एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। जब तक दूध हमारी एक उबाल आएगा तब तक नींबू काट लेते हैं। डेढ़ लीटर दूध के लिए 2 नींबू पर्याप्त हैं। इसका रस निकाल लेते हैं नींबूओं का। ऐसे ही सारे रस नींबू निकाल लेते हैं। नींबू का रस निकाल लिया है, मिलाएंगे इसमें पानी, जिससे पनीर फैलने में आसानी रहे। दूध में एक उबाल आ गई है, उसको बंद कर देते हैं। दूध पानी छोड़ने लगा है, पनीर देखिए डेढ़ लीटर दूध में 2 नींबू पर्याप्त होते हैं। दूध में सारा पानी छोड़ दिया। पनीर को ऐसी वाली जाली वाली छन्नी से छानना चाहिए। पानी इसका निकाल लेते हैं सारा। पनीर कितनी अच्छी बनी है। पनीर को मत पानी से धुलेंगे जैसे खट्टापन चला जाने होगा। पनीर को हम कॉटन कपड़े में लपेटेंगे। ऐसे इसको घुमा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हम इसको 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। एक भारी चीज से दबा के अब 30 मिनट में हमारा पनीर सेट हो जाएगा। 30 मिनट हो गए हैं, अब देख पनीर हमारा सेट हो गया। देखिए इसको निकाल। डेढ़ लीटर दूध में 200 ग्राम पनीर तैयार होती है। देखिए कितनी सॉफ्ट पनीर बनी है।